आप देख रहे हैं वेद संसार। और दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में आपको बताएंगे तुलसी विवाह की पूजा विधि और खास मंत्र के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हमारा अगला आने वाला वीडियो सबसे पहले देख सकें। और दोस्तों, साथ ही आप बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। कार्तिक माह की प्रोवेदिनी यानी कि एकादशी के दिन लोग तुलसी विवाह बड़े ही श्रद्धा के साथ व उत्सव के साथ मनाते हैं। वहीं हमारे हिंदू मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु लगभग 4 महीने के बाद अपनी नींद से जागते हैं। कहते हैं कि इस दिन उन्होंने सबसे पहले हरि वल्लभ तुलसी की ही प्रार्थना सुनी थी। बस तभी से कहा जाता है कि देव उठनी 11 को जब देव विष्णु अपनी नींद से जागते हैं तो तुलसी को ही सुनते हैं। बता दें कि इस दिन तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ हुआ था और शालिग्राम भगवान विष्णु का ही रूप है। दोस्तों, आइए आपको बताते हैं कि तुलसी के साथ भगवान विष्णु के छल के बारे में। दरअसल तुलसी का नाम वृंदा हुआ करता था। वृंदा का विवाह जालंधर नामक राक्षस से हुआ था। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी, लेकिन राक्षस जालंधर धीरे धीरे आक्रामक होते चला गया। पत्नी वृंदा की भक्ति से जालंधर को शक्ति बराबर मिलती रही, जिससे वह सभी देवतागण को परेशान करता था। ऐसे भी सभी देवताजन ने भगवान विष्णु को इस समस्या से अवगत करवाया। वहीं सभी देवताओं की बात सुनकर भगवान विष्णु ने अपनी माया से जालंधर का रूप धारण किया और फिर छल से वृंदा के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। बस इसी वजह से राक्षस जालंधर की शक्ति कम हो गई और वह युद्ध में मारा गया। दूसरी ओर जब वृंदा को भगवान विष्णु के छल का पता चला तो वह काफी निराश और दुखी हुई। बस तभी वृंदा ने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को पत्थर का बन जाने का श्राप दे दिया, जिससे विष्णु को राम के रूप में जन्म लेना पड़ा था। जान ले कि इसके बाद वृंदा से बनी तुलसी को सदैव अपने पास रखते हैं। यह सत्य है कि बिना तुलसी के शालिग्राम या विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। अगर सीधे शब्दों में कहें तो शालिग्राम व तुलसी का विवाह विष्णु व महालक्ष्मी के विवाह का प्रतीकात्मक विवाह है। दोस्तों, आइए आगे आपको बताते हैं पूजा विधि के बारे में। इस खास दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाएं और स्नान कर लें। इस दिन व्रत करने की भी परंपरा है। स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ अवश्य दें। बता दें कि इस दिन नदी में स्नान करने को भी बहुत शुभ माना जाता है। ध्यान दें कि यह व्रत एकादशी को शुरू होता है और द्वादशी को खोला जाता है। यही नहीं, इस पवित्र दिन तुलसी जी की पूजा पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु के रूप में शालिग्राम जी से उनका विवाह संपन्न करवाया जाता है। तुलसी पूजा मंत्र इस प्रकार है। दोस्तों, आगे हम आपको बताएंगे तुलसी विवाह पूजन के खास 10 नियम कौन से होते हैं। तुलसी विवाह के शुभ दिन शाम के समय परिवार के सभी लोग इस तरह से तैयार हो जाएं जैसे उन्हें किसी विवाह समारोह के लिए जाना हो। तुलसी का पौधा एक पटिए पर आंगन, छत या फिर पूजा घर में बिल्कुल बीचों बीच रखें और फिर तुलसी के गमले के ऊपर गन्ने का मंडप भी सजाएं। देवी तुलसी पर समस्त सुहाग सामग्री के साथ लाल चुनरी जरूर चढ़ाएं और गमले में शालिग्राम जी रखें। ध्यान रहे कि शालिग्राम जी पर चावल भूलकर भी ना चढ़ाएं। हाँ, लेकिन आप उन पर तिल चढ़ा सकते हैं। याद से तुलसी और शालिग्राम जी पर दूध में भीगी हल्दी लगाएं और साथ ही गन्ने के मंडप पर भी हल्दी का लेप करें और उसकी पूजा करें। जान लें कि अगर हिंदू धर्म में विवाह के समय बोला जाने वाला मंगलाष्टा आता है तो वह अवश्य करें। देव प्रोविदिनी एकादशी से कुछ वस्तुएं खाना आरंभ किया जाता है, जैसे कि भाजी, मूली बेर और आंवला जैसी सामग्री बाजार में पूजन में चढ़ने के लिए मिलती है, वह जरूर लेकर आए। कपूर से आरती करें और गाएं नमो नमो तुलजा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी और प्रसाद भी चढ़ाएं। 11 बार तुलसी जी की परिक्रमा करें और प्रसाद को मुख्य आहार के रूप में ग्रहण करें। और दोस्तों, साथ ही प्रसाद का वितरण यानी कि प्रसाद को बांटना ना भूलें। पूजा समाप्त हो जाने पर घर के सभी सदस्य चारों तरफ से पटिए को उठाकर एक साथ भगवान विष्णु से जागने का आवाहन ऐसे करें। उठो देव संवारा, भाजी बोर अम्बाला, गन्ना की झोपड़ी में शंकर जी की यात्रा। इसका भावार्थ है, हे सांवले सलोने देव,
भाजी बोर आंवला चढ़ाने के साथ हम चाहते हैं कि आप जागृत हों, सृष्टि का कार्यभार संभालें और शंकर जी को पुनः अपनी यात्रा की अनुमति दें। तो दोस्तों, आप इस बार तुलसी विवाह किस तरह मना रहे हैं, कृपया इसके बारे में हमें लिखकर ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको लगता है इसे और बेहतर बनाया जा सकता है तो कृपया अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। हम जल्दी लौटेंगे एक नए और रोमांचक वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।